नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मलेस की, क्योंकि बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं फॉर्मलेस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन फिगर की, क्योंकि सॉलिड फिगर की वीडियोस जो है हम पहले से बना चुके हैं, आप वहां से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में हम आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और फॉर्मूला शीट को कैसे क्लेम करना है वो हम आपको लास्ट में बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लेन फिगर की शीट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे ट्रायंगल, पैरेललोग्राम जैसे सारे डायग्राम जो है बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। प्लेन फिगर में दोस्तों दो ही चीज़ें होती हैं कि एरिया होगा या फिर पैरामीटर या फिर सर्कमफ्रेंस होगा। पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस में वही डिफरेंस होता है जो डिफरेंस लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में होता है। जिन लोगों ने सॉलिड फिगर की शीट देख रखी है उन्हें पता होगा कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो वही डिफरेंस होता है यहाँ पे पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस में। समझाने के लिए एक बार और बता दूँ कि जो स्ट्रेट लाइन से बना होता है उस डायग्राम में पैरामीटर का यूज़ होता है, और जो कर्व लाइन से बना होता है उसमें हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, उसको हम सर्कमफ्रेंस इवेल्युएट करते हैं। तो दोस्तों दोनों के फॉर्मूले, एरिया और सर्कमफ्रेंस, दोनों के फॉर्मूले जो यहाँ पे दे रखे हैं इस शीट में, आसानी से आपको समझ आ जाएगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसको यूज़ करें और फटाफट से हमें कमेंट पे बताएं कि किस तरह से जो है आपको ये हेल्प कर पा रहे हैं, और इस शीट को जो है आप कैसे याद करेंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको याद करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के सामने एरिया के साथ, तो ये फॉर्मूला आपको जो मिल जाएगा ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो कि है ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच अपॉन टू। तो यहाँ पे बी और एच क्या है वो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। बी मतलब हो गया बेस एंड एच मतलब हो गया हाइट। तो बी और एच को मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड करने पर हमें एरिया एरिया जो है मिल जाएगा। काफ़ी बुक्स में इसको हाफ बेस इंटू हाइट बोला जाता है, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, तो आपको जिस तरह से समझ आ जाए वही आपको याद करना है, ठीक है। एग्जाम बहुत पास है तो आप इसको जल्दी से याद कर ले, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपके अटके ना। क्लास 8, 9, 10 इन तीनों क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन फॉर्मूलेस का, तो इसको फटाफट से याद कर लें। और इसी तरह से जो है अगर आपको मैं समझाना चाहूँ कि सर्कमफ्रेंस या फिर पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम की बात करी जाए, तो यहाँ पे इस तरह से हम याद करेंगे पैरामीटर के आगे जाके और सर्कमफ्रेंस के पास। इसमें जो है पैरामीटर में आपको बता दूं कि पैरामीटर होता क्या है। असल में जिस भी डायग्राम का हमें पैरामीटर निकालना है, वो पैरामीटर जो होता है उस डायग्राम की बाउंड्रीज होती हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का पैरामीटर जो होगा वो ट्रायंगल की तीनों साइड का जोड़ होगा। मतलब यहाँ पे अगर ट्रायंगल का नाम एम एन पी दे रखा है, तो यहाँ पे जो साइड एम एन है उसके साथ जोड़ देंगे एन पी और साइड पी एम को, तो यहाँ पे जो है हमें पैरीमीटर मिल जाएगा। बट अगर ये डायग्राम सर्कुलर होगा, मीन्स सर्कुलर लाइन से बना होगा, कर्व लाइन से बना होगा, तो उस केस में वहाँ पे सर्कमफ्रेंस आ जाता है। जैसे कि हम बात अगर करें सर्कल की, अगर हम बात करें यहाँ पे सर्कल की, तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस होगा और यहाँ पाई का यूज़ ज़रूर होगा। जब कभी भी आप देखना अगर यहाँ पे कर्व लाइंस हैं तो वहाँ पे पाई का यूज़ ज़रूर होगा। बाकी चीज़ें आपको याद करनी है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बता दें कि लेना कैसे है। तो दिए गए नंबर पे, आपको अगर दिए गए नंबर दिख रहा है तो आपको उस पर व्हाट्सएप करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर कॉल ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप से ही मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा, क्योंकि कॉल जो है नहीं, कई बार मैं पिक नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं आपको रिटर्न कॉल कर पाऊंगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगा। बट आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये शीट भी मिल जाएगी अगर आप इसको क्लेम करते हैं। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।